आप देखिए हरीश रावत ममता राकेश तो बगल में थी आप जब रावण आ गया जब भीम आर्मी का रावण तब इनकी आंखें खोली आप देखिए जी अभी तक नहीं गए तो ये बड़ा दुखद है है लेकिन सोचने वाली बात है कि भावना पांडे जी आखिर इस पूरे मामले को लेकर के नजर नहीं आ रही है कुचले गए बाप बेटी टीस से अवैध खन में एक नेता नहीं गया वहाँ जो मुद्दा बहुत हाईलाइट हो जाता है उसमें ये राजनीति जब कमर जाती है जब चुनाव होते हैं उस दौरान बहुत से लोग हैं जो कहते हैं कि हम यहाँ पर ये लगवा देंगे ये करवा देंगे ये करवा देंगे चुनाव हो जाने के बाद कई बार चीजें नहीं होती तो ऐसी स्थिति में आप जो ये कमिट कर रही हैं आप जो कह रही हैं कि हम ये करेंगे ये कर रही हूं क्या ये संभव हो सकेगा कि भावना पांडे जी उस काम को करेंगे चुनाव तो अभी एक साल है हम तो छह महीने में करेंगे पहले पहले करेंगे मैं तो कहा है लोगों को कि अगर आप औद्योगिक क्षेत्र बनेंगे इंडस्ट्री आएंगी तो वोट देना आप भाई पहले रोजगार लो रोजगार लो फिर वोट दो पहले नहीं? रोजगार लो फिर हाँ, वोट दो।, दो ऐसा नहीं कि वोट दे वो, दो बाद में में रोजगार लो तो फिर इन ठगों में में फर्क क्या होगा आपने एक बात और कह दी कि मैं वोट के बाद रोजगार पैदा करूंगी ऐसा नहीं है मैं चुनाव से पहले ये काम कर दू कितने समय में तकरीबन देखिए मेरा तो दो महीने का प्लान है अब ये सरकारी देखिए अभी देखो ना इन्होंने मुआवजा नहीं दे रहे वो कह रहे हैं कि वो सोच रहे हैं कि मैं पावरफुल हो जाऊंगी मेरा नाम हो जाएगा अरे बेवकूफो कि इस चक्कर में क्या मेरा काम ही नहीं करोगे क्या राहुल गांधी जी का स्टेटमेंट था और भारतीय जनता पार्टी के नेता खुद इसको वायरल कर रहे थे कि इस इस तरीके से उन्होंने कहा था और आज जो है मैं ये देख रहा हूँ कि जब स्क्रीन पर कई लोग कई लोग ये बात समझा रहे हैं कि भाई आखिर सोना पीतल कैसे बन गया दो किलो जो चांदी थी पहले तो उन्हें निकाली वो बेच के खा गए फिर दो किलो जो सोना आया था उसकी जगह डुप्लीकेट सोना लगा दिया आप मुझे बताइए 230 किलो सोना और चांदी पहले आपने कहा क्यों चांदी दान की गोल्ड दान किया था उसका जवाब कौन देगा तो भाजपा सरकार देगी ये अभी छह महीने साल भर पूरी नहीं हुआ इसको धामी जवाब देगा इसका बेलड़ा मामले में जब से पुलिस ने अपनी विवेचना प्रस्तुत कर दी है इसके बाद लगातार अन्य जो नेता हैं कांग्रेस पार्टी के हों भीम आर्मी के हों बसपा के हों सभी नेता वहां पर जाना शुरू कर चुके हैं अपनी वो राजनीति कर रहे हों या फिर या फिर वो सच्चाई निकालने की कोशिश या पता नहीं है लेकिन सोचने वाली बात है कि इसी लोकसभा से चुनाव लड़ रही भावना पांडे जी आखिर कहाँ हैं क्या इस मामले में भावना पांडे जी ने कहीं पर कोई बयान दिया है या वहां पर जाकर के पीड़ित पक्ष हो या दूसरा पक्ष हो कहीं भी जाकर के उन्होंने मिलने की कोशिश की है इस विषय पर मैंने भारतीय जनता पार्टी के उपा, प्रदेश उपाध्यक्ष देशराज कर्णवाल से भी बात की लेकिन सोचने वाली बात है कि भावना पांडे जी आखिर इस पूरे मामले को लेकर के नजर नहीं आ रही है आज हमारे साथ है भावना पांडे जी आपका स्वागत करता हूं मैं और आज सवाल यही है कि आखिर इस पूरे मामले में चूंकि पूरा एक ये मामला पूरे प्रदेश स्तर का मामला हो गया और हरिद्वार में तो फिलहाल ये बहुत ही बर्निंग इशू है कि आखिर ऐसा हुआ क्या पुलिस प्रशासन के ऊपर सवाल है भारतीय जनता पार्टी के ऊपर भी बहुत से लोग सवाल कर रहे हैं और आप पूरा इससे गायब हैं कारण क्या है देखिए सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ पिछले लगातार एक महीना हो गया मैं इन्वेस्टरों को ला रही हूँ और पंद्रह दिन से लगातार मैं पंद्रह दिन में दो बार कल चार पाँच दिन रही मैं दिल्ली और जिस दिन मैं दिल्ली में थी तीन दिन के लिए बेल्ला घटना हुई थी उसी दिन और आपको मैं रिकॉर्ड दे सकती हूँ और आ, उसके बाद जैसे वापस आई तीन दिन के लिए तो यहाँ कर्फ्यू लगा हुआ था मैं दो बार गई हूँ और मुझे जान नहीं दिया पुलिस ने और उसके बाद फिर मैं दिल्ली चली गई अभी पाँच दिन बाद दिल्ली से आई हूँ और उसके बाद मैं सिटकुल एम से तीन बार मीटिंग कर चुकी हूँ क्योंकि मैं ग्लोबल सीमेंट करने के लिए मेरे पास करोड़ों रुपए तो है नहीं और मुझे खुद ही इन्वेस्टर से मिलने जाना पड़ता है लाना पड़ता है फिर अपने साथ एम से भी लाना पड़ता है तो मैं मैं यहाँ पर निजी औद्योगिक क्षेत्र बनाना चाहती हूँ जिससे मैं कम से कम एक हज़ार एकड़ तक हम लोग डेवलप करना चाहते हैं गवर्नमेंट के साथ एम करके और उसमें तमाम कई हज़ार इंडस्ट्रियाँ मैं लाना चाहती हूँ जैसे हमारे ओखला राजेंद्र नगर तमाम इंडस्ट्रियाँ बंद होगी मेरे सर्कल में कई लोग हैं जो इंडस्ट्री लाना चाहते हैं अभी हम एक शुगर फैक्ट्री ला रहे हैं जो ग्यारह हज़ार टन आपने एक आध बार मुझसे गलती से ग्यारह टन निकल गया था ग्यारह हज़ार टन की है वो जिसमें दो लाख लीटर तो हम एथनॉल बनाएंगे और जिसमें पैंतीस मेगावाट का हम लोग पावर जनरेशन करेंगे और जिसमें तमाम मेरे उत्तराखंड के जिनको दो सौ रुपया किसानों को मिल रहा है उनको डेढ़ सौ रुपया मिलेगा आज दो सौ रुपये किसानों को मिलता है पर कुंटल उसमें भी पैसा नहीं मिलता तो किसान मारा जाता है तो किसानों की समस्या के लिए और युवा बेरोजगारों के लिए मैं लगातार इन्वेस्टरों से मीटिंग कर रही हूँ और इस कारणवश मैं नहीं जा पाई अब जब जाना जा रही थी उस समय पुलिस ने जाने नहीं दिया अब आज वापस आ चुकी हूँ छः दिन बाद तो जब मैंने देखा नेता तो राजनीति करते हैं बड़े बड़े नेता आप देखिए हरीश रावत ममता राकेश तो बगल में थी अब जब रावण आ गया जब भीम आर्मी का रावण आया तब इनकी आँखें खोली जब ये फेसबुक में तब जाते हैं जब देखते हैं कि भाई रावण आके यहाँ पर राजनीति चमका रहा है तो हम भी चमका लें तो ये गलत है आप देखिए बत्रा जी अभी तक नहीं गए तो ये बड़ा दुखद है और इसके साथ साथ मैं इन नेताओं को ये भी कहना चाहती हूँ अभी मासूम बच्ची चार आ, साल की मारी गई मैं उस समय थी मैं गई वहाँ पर गई और मैंने मदद भी करी और अभी तीन शाहपुर सा, में हरिद्वार ग्रामीण में हरीश रावत जी की बेटी की विधानसभा में वहाँ ये नेता कोई नहीं गए क्योंकि वो ज़्यादा हाईलाइट नहीं हुआ और ऐसी तीन मौतें हो गई कुचल दिए गए अवैध खनन से वहाँ ये लोग कोई नहीं गए तो ये तो जब मामला देखते हैं राजनीति गरमा रही है तो तब ये लोग जाते हैं राजनीति चमकाने मतलब ये है कि ये लोग ये इस बात की तलाश करते हैं कि आ, उस मामले को लेकर के यदि उन्हें फायदा हो रहा होगा या कोई बड़ा मामला होगा तब एंट्री हाँ हा, हा। ये तो हकीकत है आप देखिए ना पिछले ग्यारह मौतें हुई हैं ग्यारह मौतें एक नेता दिखा दीजिए आप एक नेता दिखा दीजिए एक सांप ने काट लिया इतनी बुरी तरह इतने जहरीले सांप जंगलों में वो बेचारे का परिवार घर नहीं उसके पास खाने को नहीं उनके पास छोटे छोटे बच्चे हैं और एक बट माफियाओं ने पेड़ में इंजेक्शन लगा के पेड़ सुखा रहे हैं और एक पेड़ के नीचे गिर के मरा कोई नहीं नेता गया कुचले गए बाप बेटी ट्राली त्र, त्र, से अवैध खनन में एक नेता नहीं गया वहाँ जो मुद्दा बहुत हाईलाइट हो जाता है उसमें ये राजनीति जब कमर जाते हैं और साथ में मुझे भी जाना है अवश्य और आज ही जाऊँगी मैं आज ही जाने वाली हूँ क्योंकि मैंने कई लोगों को बोला है कि भाई हम चल रहे हैं अभी एक एक साढ़े बारह एक बजे तक क्योंकि जिस समय मैं जाना चाहती हूँ उस समय कर्फ्यू लगा था और लगातार मैं युवाओं के लिए काम कर रही हूँ यहाँ पर और बहुत अच्छे प्रोजेक्ट ला रही हूँ यहाँ पर एक प्रोजेक्ट मैं आपको और बता दूँ कि जितने मेरे युवा बेरोज़गार हैं किसानों के बेटे हैं उनके लिए मैं एक बहुत बड़ा ट्रेनिंग सेंटर बनाना चाहती हूँ जो प्रपोजल मेरा अपना निजी है जो एक साल से चल रहा था मैंने डिस्क्लोज इसलिए नहीं किया था कि जब तक हो ना जाए तो उसमें क्या है कि हम फॉरेन कंट्री के आधार टेक्नोलॉजी से हम फल उगाएंगे यहाँ पर आपने देखा होगा तरह तरह के मोबाइल्स में देखे होंगे आप फ्लोर वाइज मल्टी लेवल राइट मल्टी लेवल उसमें फ्रूट्स आप गुच्छों के हिसाब से फल लग जाते हैं गुच्छों के हिसाब से सब्ज़ियाँ लगती हैं तो उसमें क्या है कि एक तो सब्जियां सस्ती होंगी हुँ। फिर दूसरा अगर किसी किसान के पास कम जमीन है बीस बीघा ज़मीन है वो दस बीघा में अपना गन्ना लगा ले दस बीघा में ये खेती कर ले तो वो दस बीघा को चालीस बीघा के बराबर काम कर सकता है और हर युवा किसान के बेटे को जो युवा भाई है उसको हम फ्री ट्रेनिंग देंगे भारत सरकार हमको सब्सिडी देगी उसमें सेवेंटी परसेंट ट्रेनिंग के लिए और पैसा भी भारत सरकार देगी और जो ट्रेनिंग करेगा फ्री ऑफ कॉस्ट उसको हम एम एस एम एस से पैसा दिलवाएंगे ताकि वो अपने खेत में रोजगार ऑटोमेटिक रोजगार स्वरोजगार को मैं बढ़ावा देना चाह रही हूँ और उसके बाद क्या है कि वो ऑटोमेटिक क्या है कि आपको पानी भी ऑटोमेटिक जाएगा और जब फल सब्जियाँ टूटेंगी वो फ्लोर नीचे आ जाएंगे तो बहुत इसराइल की टेक्नोलॉजी भी है एक किसी और कंट्री की भी हम टेक्नोलॉजी दो टेक्नोलॉजी ला रहे हैं हम तो वो मैं बहुत जल्दी शायद पंद्रह दिन महीने के अंदर इसका नारियल तोड़ दूँ आपने जैसे सुगर मिल की आप बात कर रही हैं निजी औद्योगिक औद्योगिक क्षेत्र की बात कर रही हैं आप मल्टी लेवल जिस तरह से कृषि करने की जो बात है वो कर रही हैं आप मैं एक बहुत जनरल बात कर रहा हूँ जब चुनाव होते हैं उस दौरान बहुत से लोग हैं जो कहते हैं कि हम यहाँ पर ये लगवा देंगे ये करवा देंगे ये करवा देंगे चुनाव हो जाने के बाद कई बार इस चीजें नहीं होती है। तो ऐसी स्थिति में आप जो ये कमिट कर रही हैं आप जो कह रही हैं कि हम ये करेंगे ये कर रही हूं क्या ये संभव हो सकेगा कि भावना पांडे जी उस काम को करेंगे चुनाव तो भी एक साल है हम तो छह महीने में करेंगे पहले अच्छा पहले उद्घाटन तो करेंगे।, करेंगे पहले करेंगे यस मैं तो कहा है लोगों को कि अगर आप औद्योगिक क्षेत्र बनेंगे इंडस्ट्री आएंगे तो वोट देना आप भाई पहले रोजगार लो रोजगार लो फिर वोट दो

जो हमारी टेक्नोलॉजी वो आ रही है वो मोती भी मैं उसमें गाऊंगी अच्छा हमारे यहाँ के नेता कहते हैं भांग की खेती करो खुद भी पियो हमें भी लाओ आ समझे और उ, वो भी देखिए नेताओं का नाम लेंगे आप नहीं नहीं, नहीं।, <laughs> नहीं। मालूम है वो तो जिस जिसने वो सारे हैं उसमें भाजपा के नेता भी है कांग्रेस के नेता भी है मगर हालांकि भांग की खेती भी अगर ये दिमाग से अगर करते एक कॉमर्शलाइज भांग होती है वो क्या होती है कि छोटी हाइट की होती है और वो कमर्शलाइज भांग अमेरिकन कंपनियाँ उस चीज़ से कई तरह तो की चीज़ें बनाती है दवाइयाँ बनाती हैं बहुत सारी चीज़ें और उसमें बनती हैं बहुत सारी दवाइयाँ अमेरिकन कंपनी वो एक बार मैंने जब चंदन रामदास थे तो मैंने सोचा था कि कमर्शलाइज भाग पहाड़ों में खेती बंदर नहीं छोड़ते और तमाम कुछ भी कर लो पहाड़ वीरान है अगर ये नेता दिमागदार होते अगर कुछ करना चाहते तो वो अमेरिकन कंपनी का टाइप करते तमाम हज़ारों लाखों कम से आठ दस उस विधानसभा उसमें कवर हो जाती है कि ये कर नहीं सकते लोग करना भी नहीं चाहते मैं भी कंपनी लाई कंपनी वापस चली गई तो खैर भांग की खेती मुझे नहीं करनी मुझे तो मोती की खेती करवानी है मेरे युवा भाई मोती की खेती भी करेंगे और मोती दान भी करेंगे क्या बात है मतलब मोती दान कहा जाता है कि मोती हाँ। दान की बात है तो ये इस बात को लेकर के क्या हमारे जो हरिद्वार लोकसभा की जनता है इस बात को लेकर के इंश्योर हो सकती है कि भावना पांडे जी ने जो कहा क्योंकि आपने एक बात और कह दी कि मैं वोट के बाद रोजगार पैदा करूंगी ऐसा नहीं है मैं चुनाव से पहले यह काम कर दूंगी कितने समय में तकरीबन देखिए मेरा तो दो महीने का प्लान है अब यह सरकारी देखिए अभी देखो ना इन्होंने मुआवजा नहीं दे रहे वो कह रहे हैं कि वो सोच रहे हैं कि मैं पावरफुल हो जाऊंगी मेरा नाम हो जाएगा अरे बेवकूफ़ो ये इस चक्कर में क्या मेरा काम ही नहीं करोगे क्या ये बताओ अभी मैंने अधिकारियों से खुद से बात करी मेरा वो जो लोगों का मुआवजा आ गया है कोई नहीं मैंने उन्हें एक महीने के अंदर मैं दूंगी एक महीने का टाइम मैंने कल फ़ोन कराया है अगर एक महीने में आपने मुआवजा दिया और सबको मुआवजा मैं आपके चैनल के सामने बांटूंगी बिल्कुल हंड्रेड परसेंट जब कहा है और सबको पता है आप मेरा इतिहास जानते हैं चाहे धामी मेरा इतिहास जानता है हरीश रावत जानते हैं त्रिवेंद्र सिंह जानते हैं कि जो कहती हूँ वो करती हूँ मैं सिर्फ बातों की धनी हूँ चाहे फेसबुक में छोटे मोटे गुरु लोग जो माफियाओं के मेरे को गाली पक उससे फर्क नहीं पड़ता मैं एक गाँव की लड़की हूँ और मैंने यहाँ से लेकर दिल्ली तक दिल्ली बम्बई तक काम किया मेरा नाम रहा है और मैं जो कहती हूँ करती हूँ मैंने तो साफ साफ कह दिया अगर ये मेरी फाइलें ना फंसाएं मेरे कल को इसे जीत जाएगी करके फाइलें फँसा देंगे ना ये इतने बदमाश हैं मगर फंस नहीं दूँगी मेरी फाइलें बता देना चाहती हूँ औद्योगिक क्षेत्र में बनाने जा रही हूँ चार पाँच और उसके बाद एक शुगर मिल लाने जा रही हूँ एक वो जो आपको पूछा वो दो महीने का प्लान है मेरा दो से छ हो सकते हैं छः से एक साल नहीं होगा ये एक बड़ी बात है कि आ, अब तक जब भी कोई व्यक्ति चुनाव में आता है तो अक्सर ये बात कहता है कि देखो हमें वोट दे दो हम तुम्हें रोजगार दे देंगे लेकिन यहाँ पर ये भावना पांडे जी कह रही है कि हम पहले रोजगार देंगे इसके बाद वोट देना मतलब रोजगार की वो व्यवस्था हम डेवलप करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं अब देखना ये होगा क्योंकि नेताओं के वादे कई बार डिसबैलेंस भी होते रहते हैं सच क्या होगा वो छः महीने बाद भी हम देखेंगे और पूरे घटनाक्रम पे पूरी नज़र भी रहेगी हम आपको दिखाएंगे भी बताएंगे भी एक मामला है जो बड़ा मामला क्योंकि उत्तराखंड को हम देवभूमि कहते हैं चार धाम की हम यात्रा करते हैं और ये कहीं ना कहीं उत्तराखंड में बड़े लेवल पर दिख रहा है चूँकि आप उत्तराखंड भाई राज्य आंदोलनकारी रही हैं और इस विषय पर भी कहीं ना कहीं आपकी नजर रहती है बाबा केदारनाथ धाम को लेकर के एक पूरा मामला आया कि सोने की जो चादर थी वो बन गई वो बन गई पीतल में इस मामले को लेकर के क्या कहेंगे क्योंकि बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि भाई ऐसा आलू से सोना पहले बनता था मतलब ये जो कहीं ना कहीं जो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा था जिसमें राहुल गांधी जी का स्टेटमेंट था और भारतीय जनता पार्टी के नेता खूब इसको वायरल कर रहे थे कि इस इस तरीके से उन्होंने कहा था और आज जो है मैं ये देख रहा हूँ कि जब स्क्रीन पर कई लोग कई लोग ये बात समझा रहे हैं कि भाई आखिर सोना पीतल कैसे बन गया तो क्या कहेंगे आप आप ये तो आपको गायब हो गया या कहा है क्या लगता है देखिए पहले बाबा केदार में जितनी भी लगी गई गई थी की थी की अंदर सारी जी। चांदी से की गई थी 230 किलो चांदी था और उसके बाद इन लोगों ने कहा कि हमें 230 सो किलो सोना किसी ने दान दे दिया क्या वो किसी ने जो दान किया था किसी का नाम डिस्क्रोज किया गया ठीक है हम अभी इससे नहीं कर सकते इसीलिए देवाश्रम जब बोर्ड बना था और अभी इसमें एग्जैक्ट मैं नाम नहीं लूंगी ये तो जांच का विषय है करे जांच करें 230 किलो जो चांदी थी तो गए फिर 230 किलो जो सोना आया था उसकी जगह आप मुझे बताइए 230 किलो सोना और जवाब कौन देगा तो भाजपा सरकार देगी ये अभी छह महीने साल भर पूरी नहीं हुआ इसको दामी जवाब देगा इसका तो मैं कहना चाहती हूँ भाइयों अब मैं तो ये बात मोदी जी से पूछना चाहती हूँ आप आते आप ही पूछ लीजिए ना मोदी जी को पूछना चाहिए इनको कि बाबा केदार जैसी जगह को भगवान को नहीं छोड़ रहे लोग मतलब ये तो ऐसे लोग हैं आपको याद होगा जब देवाश्रम बोर्ड बना था मैं गई थी मोदी जी से मिलने तो मोदी जी आए थे तो बोर्ड की बात कर रही है दे, 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 देवास्थानम बोर्ड, बोर्ड बना था देवाश्रम बोर्ड तो उस समय इन्होंने बना दिया था त्रिवेंद्र सिंह सरकार में उसके बाद सारे हमारे जितने चार धाम के अध्यक्ष हैं केदारनाथ के अध्यक्ष हैं ये सब लोगों ने और वहाँ के पुरोहितों ने खून से लिखी हुई चिट्ठी भेजी प्रधानमंत्री को तो तब मैं वहाँ पहुँची और मेरे को न तो फ्लाइट दी गई और न मेरा रास्ता रोका गया और मैं घोड़े से चढ़ के गई मतलब और वापसी में भी मुझे फ़्लाइट नहीं दी, दी और रहने के लिए बाबा केदार ने मुझे अपने बगल में जगह दे दी नहीं। नहीं। जगह भी नहीं थी वो तो एक महिला ने आना था बाबा केदार के पचास मीटर पर जो उनके अध्यक्ष थी उनका कमरा उसके मैं नहीं फिर उनके बाद आपने मीडिया में देखा होगा मेरे चार धाम के अध्यक्ष और केदारनाथ के अध्यक्ष से मेरी मीटिंग हुई वहाँ से मैंने इनको कहा कि ये देश के लिए अनर्थ होगा जब बाबा केदार का आप अंग्रेज भी आ, क्या कहते हैं चढ़ावे पे हाथ नहीं लगाते थे तो ये इतने आ, मतलब नेता हो गए इतने गिर चुके हैं कि ये चढ़ावे को भी नहीं छोड़ रहे तब जाके और ये अनर्थ है जब भगवान आ, के, के मंदिर से पुरोहित अगर खून से लिखे लिखेंगे तो देश के लिए अनर्थ होना है तब जाके इन्होंने उसको संज्ञान में लिया और काफ़ी मीडियाबाजी हुई थी उसके बाद देवाश्रम बोर्ड हटा है

मैं वही कह हाँ। अच्छा हाँ। एक, एक एक सवाल चूँकि आप जो है देवस्थानम बोर्ड का जिक्र कर रही हैं क्योंकि क्यों ये कुछ ऐसे मामले हैं जो कहीं ना कहीं उत्तराखंड में एक बड़ी चीज़ है जिसको लेकर के शायद मुझे लगता है कि डिबेट और डिस्कशन भी होना चाहिए वो ये कि जो देवस्थानम बोर्ड था आपको लगता है कि देवस्थानम बोर्ड खराब था गलत था या नह, ऐसा कोई बोर्ड नहीं बनना चाहिए देखिए देवाश्रम बोर्ड में क्लियर करना चाहिए था त्रिवेंद्र सिंह सरकार को जो वहाँ के पुरोहितों को कहना चाहिए था कि मैनेजमेंट करेगी हालांकि था तो सही और गलत भी था अच्छा। क्योंकि इन्होंने क्लियर नहीं किया था उसमें उसमें पुरोहितों का कहना था कि हम खानदानी हम लोग पुरोहित है और हमारे चढ़ावे पे हमारा अधिकार है तो जो मैनेजमेंट देवाश्रम बोर्ड को करना चाहिए था वो चीज ये समझा नहीं पाए समझा नहीं पाए ये समझा नहीं पाए कि देवाश्रम बोर्ड सही है या गलत है तो वहां लोगों ने सोचा और गलत भी किया उन्होंने उसमें क्लियर कर देना चाहिए था कि जो चढ़ावा है जो एज इट इज रहेगा जैसे सिस्टम चला रहा है सदियों से और देवाश्रम बोर्ड पूरा रख रखाव रखेगी मतलब पूरा करेगी ये क्लियर करना चाहिए ये कर नहीं पाए तो ये सब चीजें चलिए हम इस पर लेकिन, लेकिन अगर वो व्यवस्था होती तो शायद अलग तरीके की चीजें होती लेकिन वो देखना पड़ेगा कि भाई जो कुछ भी होता है लेकिन आज हमने जो बात किया वो बेलरा प्रकरण को लेकर के एक बड़ा ही आ, बहुत ही ऐसा सेंसिटिव मैटर है जिस सेंसिटिव मैटर को लेकर के अन्य पार्टियां भी आ रही हैं इस विषय पे पूरी हमने चर्चा की भावना पांडे जी ने मैं समझता हूँ कि पूरे खुले तौर पर सारी बातें रखी हैं युवाओं को लेकर के जो व्यवस्था डेवलप कर रही है वो भी एक सोचनीय विषय है आगे चल करके जो कुछ भी होगा सारी इंफॉर्मेशन आप द न्यूज़ वाला नेटवर्क पर देखेंगे आपने जो समय दिया और इस विषय पर जो आपने बात की इसके बहुत बहुत धन्यवाद आपका तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर लीजिए सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और देखते रहिए द न्यूज वाला नेटवर्क और इस पूरे प्रकरण को लेकर के आप क्या कुछ कहना चाहेंगे कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दे दीजिए और देखते रहिए द न्यूज़ वाला नेटवर्क